दोस्तों, मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम इस बार आपके लिए लाए हैं हिंदी, आधुनिक हिंदी काव्य धारा में से धर्मवीर भारती, या कह लीजिए आधुनिक हिंदी साहित्य में से धर्मवीर भारती। दोस्तों, भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद यूपी में हुआ था। इलाहाबाद यूपी में 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद यूपी में हुआ, जबकि इनका निधन 4 सितंबर 1997 को मुंबई में हुआ। 4 सितंबर 1997 को मुंबई में इनका निधन हुआ। इनके उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हुए, अनेक विधाओं पर इन्होंने लेखनी चलाई। उसमें सबसे पहला है और प्रसिद्ध इनकी जो विधा है, उपन्यास विधा। उपन्यास विधा में सबसे पहला इनका एक उपन्यास आता है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता यह उपन्यास 1949 में प्रकाशित हुआ और काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध रहा। आज तक इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। और जिस समय यह प्रकाशित हुआ था, उस समय से लेकर आज दिन तक यह उतना ही लोकप्रिय और पॉपुलर है। हिंदी साहित्य में शायद ऐसा पहला एक ये रोमांटिक उपन्यास का उदाहरण मिलता है, गुनाहों का देवता, जो उसके संस्करण के समय से लेकर आज दिन तक भी सजीव और वैसा का वैसा इसकी वैसी की वैसी इसकी लोकप्रियता बनी हुई है। इसके प्रमुख पात्र हैं सुधा, चंदर, गैसु आदि। इसके मुख्य पात्र हैं सुधा और चंदर। अब अपन बात करते हैं इनका दूसरा उपन्यास जो है, वो है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा यह उपन्यास 1952 में प्रकाशित हुआ था। यह भी लगभग उतना ही चर्चित और प्रसिद्ध रहा जितना कि गुनाहों का देवता। इसके प्रमुख पात्र हैं मणिक मुल्ला, ये मणिक मुल्ला जो है इस सूरज का सातवां घोड़ा का प्रसिद्ध पात्र है। इसके बाद तीसरे नंबर पर 11 सपनों का देश, यह उपन्यास 1960 में प्रकाशित हुआ। यह इतना ज़्यादा चर्चित और लोकप्रिय नहीं हो पाया। और चौथा और अंतिम उपन्यास है इनका प्रारंभ व समापन, यह भी इतना चर्चित नहीं हो पाया। ये दो ज़्यादा चर्चित हुए थे, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। तो दोस्तों, भारती जी के जो काव्य संग्रह हैं वो 1950 से लेकर 1960 तक का जो समय है, 10 वर्षों का यह समय, यह पूरा दशक धर्मवीर भारती जी की काव्य कृतियों के लेखन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 10 वर्षों में उनकी 4 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित रही। 1952 में ठंडा लोहा नाम से शीर्षक से काव्य कृति प्रकाशित हुई और उसके ठीक 2 वर्षों बाद यानी 1954 में अंधायुग काव्य कृति भी कह लीजिए या इसको गीति नाट्य भी कह लीजिए, ये प्रकाशित हुआ, जो कि रंगमंच पर सर्वाधिक सफल गीति नाट्य कहा जा सकता है इसको। आज दिन तक इसका सफल मंचन होता आया है और इसने उन्हीं बुलंदियों को छुआ जिसको गुनाहों का देवता उपन्यास ने छुआ था। आज दिन तक इसकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता कायम है अंधायुग की, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1959 में कनुप्रिया शीर्षक से राधा और कृष्ण के अमर प्रेम पर आधारित एक काव्य कृति इनकी प्रकाशित हुई, जो कि
काफ़ी सुंदर है, इसका काव्य सौंदर्य बड़ा ही अच्छा है। इसके बाद हम बात करें 1960 में सात गीत वर्ष जो कि इनकी प्रारंभिक रचनाएं थी उसको बाद में प्रकाशित कराया गया 1960 में। इसमें प्रौढ़ता का अभाव हमें देखने को मिलता है, जैसी प्रौढ़ता कनुप्रिया या अंधा युग में है वैसी प्रौढ़ता सात गीत वर्ष में नहीं मिलती। प्रारंभिक गीत हैं लेकिन इनको बाद में 1960 में प्रकाशित किया गया। इसके बाद इनकी काव्य कृतियों के लेखन में बड़ा गैप है, बड़ा ही अंतराल है। 30-40 वर्षों के बाद ये पुनः लिखते हैं और 1990 से 2000 के बीच का जो दशक है 10 वर्षों का उसमें इनकी दो काव्य कृतियाँ प्रकाशित होती है। एक तो सपना अभी भी जो कि 1993 में प्रकाशित हुई ये काव्य कृति, और अंतिम इनकी काव्य कृति है 1999 में प्रकाशित होने वाली 1999 में आद्यंत। इस प्रकार से इनकी 6 काव्य कृतियाँ मुख्य रूप से प्रकाशित हुई। धर्मवीर भारती के प्रमुख कहानी संग्रह, भारती जी की लेखनी कहानी विधा पर भी खूब चली। इनके प्रमुख कहानी संग्रह है मुर्दों का घाव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सास की कलम से, और पुष्पा भारती द्वारा संकलित संपूर्ण कहानियाँ। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्दों का गांव। तो मुर्दों का गांव जो कहानी संग्रह है वो सबसे पहले 1946 में प्रकाशित हुआ, और उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्दों का गांव कहानी संग्रह की। यह पहला कहानी संग्रह है 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद इनका दूसरा कहानी संग्रह आया स्वर्ग और पृथ्वी, यह 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा इनका कहानी संग्रह है चांद और टूटे हुए लोग, ये 1955 में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद इनका चौथा कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ 1969 में, 69 में, बंद गली का आखिरी मकान। और इसके बाद 30 वर्षों के गैप के बाद या कि 31 वर्षों के गैप के बाद सन 2000 में इनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ सास की कलम से। और फिर पुष्पा भारती जो कि इनकी पत्नी थी, इनके द्वारा संकलित संपूर्ण कहानियाँ, भारती जी की संपूर्ण कहानियाँ शीर्षक से कहानी संग्रह इनका प्रकाशित हुआ, जो कि ये इनका अंतिम कहानी संग्रह माना जाता है। भारती जी के निबंध संग्रह, धर्मवीर भारती जी के निबंध संग्रह इस प्रकार है। 1958 में इनका पहला निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था ठेले पर हिमालय। इसके बाद पश्यंती शीर्षक से 1969 में इनका दूसरा निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। फिर 1970 में कहनी अनकहनी शीर्षक से इनका तीसरा निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से ये तीन निबंध संग्रह इनके काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित रहे। भारती जी के रेखा चित्र हैं कुछ चेहरे कुछ चिंतन, इसी प्रकार से एक ही रेखा चित्र इनका मिलता है कुछ चेहरे कुछ चिंतन शीर्षक से। रिपोर्टाज विधा में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया। मुक्त क्षेत्र युद्ध क्षेत्र शीर्षक से इन्होंने रिपोर्टाज लिखा, और इनका एक रिपोर्टाज और भी मिलता है युद्ध यात्रा शीर्षक से। तो युद्ध यात्रा शीर्षक से भी इनका एक रिपोर्टाज मिलता है, उस पर भी इन्होंने लेखनी चलाई। आलोचना में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। प्रगतिवाद एक समीक्षा जो कि 1949 में प्रकाशित हुई थी, ये समीक्षा आलोचना के क्षेत्र में यह भी इन्होंने लिखा। मानव मूल्य और साहित्य जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था, ये आलोचनात्मक पुस्तक है इनकी, 1960 में प्रकाशित हुई मानव मूल्य और साहित्य, ये काफ़ी प्रसिद्ध है और चर्चित रही। एकांकी नाटक विधा पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और इनको प्रसिद्धि मिली। नदी प्यासी थी 1954 में यह एकांकी नाटक इनका प्रकाशित हुआ था, यह वही वर्ष है जब इन्होंने अंधा युग लिखा था 1954 में ही। इसी तरह से यात्रा वर्णन में भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, और यात्रा चक्र जो कि 1994 में प्रकाशित हुआ था उस पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। संपादन भी इन्होंने कई पत्रिकाओं का किया, अभ्युदय, संगम, हिंदी साहित्य कोश, आलोचना, निकष, धर्मयुग, धर्मयुग पत्रिका जो कि मुंबई से प्रकाशित होती थी, इस पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई और इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। पीएचडी भी इन्होंने की थी सिद्ध साहित्य
एक शीर्षक सिद्ध सिद्ध साहित्य पर इन्होंने पीएचडी की थी और इनके गुरु थे पीएचडी करवाने वाले मार्गदर्शन देने वाले डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा। तो इस प्रकार से 4 सितंबर 1997 को हिंदी साहित्य का यह दैदीप्यमान सूरज अस्त हो गया और हिंदी साहित्य को और पूरे हिंदी संसार को हिंदी जगत को एक अपूर्णीय क्षति उठानी पड़ी। इस अपूर्णीय क्षति को आज कोई भी साहित्यकार भर नहीं सकता है, उनका स्थान कोई ले नहीं सकता है। धर्मवीर भारती एक ऐसी शख्सियत है जो कि हिंदी साहित्य में हमेशा अजर अमर रहेंगे। उनका साहित्य हमेशा उनके निधन के बाद भी चरम को छूता जा रहा है और छूता जाएगा। आप हमारे इस प्रयास को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हिमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर बने रहिए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।